सो गाइस इतने चार्जेस लग रहे थे तो हम लोगों ने सोचा हमारे पास एक नियो ग्लोबल फोरेक्स कार्ड था तो हम लोगों ने उसे ट्राई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सागर मिश्रा एक्सप्लोरर में। सो गाइस इस व्लॉग में हम सबसे पहले जाने वाले हैं फुकेट से पटाया, और पटाया के फर्स्ट डे में पटाया की स्पेशल प्लेसेस जैसे कि अंडर वाटर वर्ल्ड, टाइगर पार्क और बुद्धा टेम्पल विजिट करने वाले हैं। और उसी के साथ इसी व्लॉग में गाइस मैं करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस व्लॉग को एंड तक बिल्कुल देखिएगा। और ये व्लॉग बड़ा होगा इसलिए मैं इसे दो पार्ट में अपलोड करूँगा। तो चलिए गाइस, सो गाइस अब हम लोग बैंकॉक में लैंड हो चुके हैं और हम लोग पहले डायरेक्टली जा रहे पटाया। हम लोग पटाया में 3 दिन रुकने वाले हैं, उसके बाद बैंकॉक वापस आएंगे। ये देखिए हमने कार पहले ही बुक कर ली थी। चलिए गाइस अपन चलते हैं पटाया। सो गाइस हम लोगों ने कैब एयरपोर्ट से ही कर ली थी जो कि हमको 1400 बाद में पड़ी थी। सो गाइस अब हम लोग हमारे होटल पर पहुँच चुके हैं। होटल का नाम है B2 होटल साउथ पटाया। तो B2 होटल की बहुत सारी चेन है तो हम लोगों ने साउथ पटाया में बुक करा है। सो गाइस आज फर्स्ट डे है हमारा पटाया में। कल नाइट में हम लोग आ गए थे तो नाइट में मैंने आपको होटल दिखा रहा था पर आपको दिखा नहीं होगा ढंग से। तो देखिए गाइस ये हमारा B2 साउथ पटाया होटल और ये 4-स्टार होटल है। बहुत अच्छा होटल है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको। सो गाइस अभी हम लोग होटल से निकले हैं पटाया को एक्सप्लोर करने, और अभी तो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही। तो सबसे पहले हम लोग कुछ खाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कौन सी जगह जा रहे हैं खाने, देखते हैं कहाँ पर अच्छा इंडियन वेजिटेरियन फूड मिलता है। तो खाते हैं और फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट प्लेस पर। चलिए गाइस सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि पटाया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग कुछ ड्रिंक लेने 7-Eleven में गए थे। तो 7-Eleven की गाइस यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये सस्ता और अच्छा सुपरमार्केट है यहाँ का। तो अगर आप चाहें तो 7-Eleven आ सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रोसरीज मिल जाएगी, आपको ड्रिंक मिल जाएगी। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो भी आ जाए, यहाँ पर कंपेरेटिवली सस्ता मिलेगा, आपको रिजनेबल मिलेगा क्योंकि सारी चीज़ें सस्ती है। जो भी चाहिए आपको 7-Eleven पर आइए, आपको किफ़ायती में और अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। और ये आपको पटाया फुकेट में थोड़ी थोड़ी दूर में मिल जाएंगे आपको, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा लेता हूँ बाहर से 7-Eleven दिखता कैसा है। तो चलिए गाइस सो गाइस देखिए आप, फॉर्चुनर तक यहाँ पर एज अ टैक्सी चलती है। अभी तक हम जितनी भी टैक्सी करी है वो सब अच्छी अच्छी कार ही थी। सो गाइस फुकेट में तो अच्छा मानसून था, बारिश भी हुई थी और बारिश की वजह से हमारी कुछ प्लेस एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर यहाँ पर पटाया में जब हम आए तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब फुकेट तो यहाँ आने में पूरा मौसम ही चेंज हो गया। लोग कैप लगा के घूमना पड़ रहा है, वहाँ पर तो विदाउट कैप घूम रहे थे आराम से, सन लोशन की ज़रूरत भी नहीं थी। पर अगर आप पटाया आ रहे हैं तो कैप लाइए, सन लोशन लाइए। सो गाइस अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आप इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, थाईलैंड आ रहे हैं, कोई कंट्री जा रहे हैं, तो आप करेंसी एक्सचेंज आपकी खुद की कंट्री एटमीन्स इंडिया में कराइए। क्योंकि हम लोग जब इंडिया मुंबई एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज कराया था तो हम लोगों को 25,000 इंडियन रुपी के 9,040 थाई बात मिले थे, और सिमिलरली हमने फुकेट में कराया तो हम लोगों को मात्र 7,400 बात मिले थे। और हमारे पास और मनी रखा था, हम लोग पटाया है, हम लोग करेंसी एक्सचेंज पर गए तो हम लोगों को एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा मिला, 3.8 मिला, जो कि हम लोगों को फुकेट में 3 मिला था एंड एट मुंबई हमको 2.5 अराउंड मिला था। सो गाइस इतने चार्जेस लग रहे थे तो हम लोगों ने सोचा हमारे पास एक नियो ग्लोबल फोरेक्स कार्ड था तो हम लोगों ने उसे ट्राई करा, और हम लोगों को ओनली 23,700 अराउंड में हमको 10,000 बात यहाँ पर मिल गया। तो अगर आप थाईलैंड या कोई इंटरनेशनल ट्रिप पर आ रहे हैं तो आप या तो करेंसी एक्सचेंज इंडिया में कराइए या फिर आप ATM से विड्रॉल करिए आपका फॉरेक्स कार्ड लेके। फॉरेक्स कार्ड में आपका रहता है करेंसी एक्सचेंज रेट लगते हैं, मार्कअप चार्जेस नहीं लगते हैं।
तो चलिए गाइस अपन चलते हैं। सो गाइस अब हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिल गया है। तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को खाना ढूंढने में आ रही है, क्योंकि हम लोग थे प्योर वेजिटेरियन, सो वेजिटेरियन फूड मिल नहीं रहा। सो एक रेस्टोरेंट मिला हमको, यूरोपियन थाई फूड था, जहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिले हमको, जैसे कि फ्राइड राइस एंड देन वन पैड थाई विच इज़ बेसिकली नूडल्स एंड थाई स्टाइल। सो हम लोगों ने अभी वो ऑर्डर करा है, वो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है उसका। चलिए सो गाइस अब हम लोगों ने लंच कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस पे, अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया। और हम लोगों ने यहाँ से वहाँ जाने के लिए टैक्सी बुक करी है बोल्ट ऐप से। ये थाईलैंड में टैक्सी ऐप है, जस्ट लाइक उबेर ओला इन इंडिया। तो आप इससे जा सकते हैं इससे, क्योंकि ये सस्ता है, हम लोगों को सिर्फ 82 भात में ले जा रहा है ये, और 6 किलोमीटर है। और हमने लोकली ट्राई करा तो वो 100 एंड 120 भात लग रहा था। तो चलिए गाइस अपन चलते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया में। सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया में, और यहाँ पर आपको एंट्री के कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि अडल्ट के हैं 500 बात और चाइल्ड के हैं 300 बात। तो चलिए गाइस अब हम लोग टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। सो गाइस देखिए, फॉर अडल्ट 500 बात, फॉर चाइल्ड 300 बात, और ये सूर्या हमारे टिकट ले रहा है, देन फिर अपन लोग चलते हैं।
सो गाइस, इसके बाद से शार्क जोन स्टार्ट होता है और इसके बाद आप ऐसी ऐसी फिश देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी। तो चलिए गाइस, अब आप देखिए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आके बहुत सारे ब्लॉग्स आना बाकी है। चलिए गाइस, अपन चलते हैं। बाय बाय।